दोस्तों आप ये वीडियो देख रहे हैं ध्रुव राठी के चैनल पे। नमस्कार दोस्तों। मतलब ऐसा कुछ नहीं, आप ये वीडियो देख रहे हैं कारवर्सल पे। और अगर आपको नहीं पता तो कारवर्सल पे हम मीम्स अपलोड करते हैं और उसके बीच में गाड़ियों का कंटेंट डाल देते हैं, फिर का रिव्यूअर बनेगा तू। और अगर आप इस चैनल की पूरी एग्जिस्टेंस में देखो तो एक गाड़ी काफी इंपॉर्टेंट रही है जिसका नाम है एस्प्रेसो। उसके अलावा एक और गाड़ी काफी इंपॉर्टेंट रही है जिसका नाम है 2020 वाली या फिर 22 वाली महिंद्रा स्कॉर्पियो। मैं आपको थोड़ा डेटा दिखाता हूँ कि अगर आप हमारे चैनल के एनालिटिक्स पे जाओ और उस पर अगर आप कीवर्ड सर्च करो स्कॉर्पियो, तो टोटल में 17 वीडियोस हैं जिसमें स्कॉर्पियो वाला जो कीवर्ड है वो यूज किया गया है। 17 वीडियोस, और इसमें मैंने 12 तरह डिलीट कर दिया है जिनमें व्यूज कम आए थे, तो आप 30 मान सकते हो। जिसमें दोस्तों क्या क्या नहीं करा इस गाड़ी के ऊपर व्यूज लेने के लिए, जिसमें हमने कभी 2020 वाली स्कॉर्पियो के ऊपर जो सैंगो की करैंडो आती है उसकी इमेज डाल दी और कह दिया कि 2020 वाली स्कॉर्पियो ऐसी होने वाली है। फिर दोस्तों हम इसके एक और ऊपर वाले लेवल पे गए जिसमें हमने जो मैक्सस D90 आती है जो कि MG ग्लॉस्टर का चाइनीज वाला वर्जन है, उसका सामने से लोगो हटा के उसे 2020 वाली स्कॉर्पियो बना दिया। वाह क्या बढ़िया व्यूज आए, 1,31,000। फिर दोस्तों अगर ये भी कम था तो जो जीप की कमांडर आती है उसको थोड़ा बहुत मॉडिफाई करके उसको 2020 वाली स्कॉर्पियो बोल दिया और वाह 96,000 व्यूज आ गए। फिर दोस्तों बीच में क्या चीज चली कि जो एक किया की मुहावे आती है उसमें किसी बंदे ने जो सामने का उसका लोगो है उसे चेंज करके जो नया वाला महिंद्रा का लोगो है वो डाल दिया और पूरे इंटरनेट पे सब मानने लग गए कि वही है 2020 वाली या फिर 22 वाली स्कॉर्पियो, और वाह सब बढ़िया बढ़िया व्यूज छापने लग गए। पर दोस्तों जो नई वाली स्कॉर्पियो है उसके लॉन्च के कोई साल लग नहीं रहे थे, सबको लग रहा था कि गाड़ी सिर्फ टेस्टिंग के लिए बनी है, जो अभी फिलहाल वाली स्कॉर्पियो है सिर्फ वही आएगी मार्केट में अगले 10 साल भी। फिर दोस्तों हमें लगा कि अब कुछ करना पड़ेगा, अब कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे जो नई वाली स्कॉर्पियो है उसके बारे में हमें डिटेल में एकदम पता चले। और इसलिए हमने क्या करा, इस गाड़ी के जो स्पाई शॉट है उनको देख के इस गाड़ी के रेंडर्स बनवाए, और वाह क्या बढ़िया रेंडर्स बनवाए जो कि काफी एक्यूरेट है मेरे ख्याल से। और अब दोस्तों ऑफिशियली जो 2022 वाली स्कॉर्पियो है उसका लॉन्च होने वाला है। इस गाड़ी की जो पहली टीजर वीडियो है वो आ चुकी है ऑफिशियली, जो कि भाई कुछ ज्यादा ही मुझे खुश कर रही है। जो इस चैनल की ग्रोथ है आप कह सकते हैं कि इस वाली गाड़ी से काफी ज्यादा हुई है, और अब इस गाड़ी का जो ऑफिशियल लॉन्च है वो होने वाला है ऑफिशियली। भाई ऑफिशियली जो चैनल है अभी फिलहाल कितने, तो दोस्तों अभी फिलहाल हमारे सब्सक्राइबर है 5,88,000, और भाइयों जाके सब्सक्राइब कर दो ताकि जो सब्सक्राइबर काउंट है थोड़ा और बढ़ जाए नई वाली स्कॉर्पियो के लॉन्च से पहले। और चलो भाई पहले इसका टीजर देखते हैं फिर मजा आएगा भाई। तो दोस्तों ये है इसकी पहली वीडियो जिसमें जो टाइटल है वीडियो का उसका नाम है द बिग डैडी ऑफ एसयूवीज कमिंग सून। तो दोस्तों अगर आप एक टीजर वीडियो देखो तो जिसका टाइटल है जिसका नाम है द बिग डैडी ऑफ एसयूवीज, उसमें काफी सारी ऐसे अंदर हिडन इन्फॉर्मेशन है जो कि मैंने अपने कारवर्सल प्रोज वाले दिमाग से खोली। जिसमें अगर आपको बताओ कि बिग का मतलब होता है बड़ा या फिर विशाल, काफी मतलब विशाल का है बड़ा बड़ा, समझ आ गया हमें। डैडी का मतलब होता है पापा, पिताजी, फादर, समझ रहे हो, तो मतलब बड़े पापा। अब बड़े पापा का मतलब होता है हिंदी में या फिर इंग्लिश में ताऊजी, तो इसका मतलब हमें पता चलता है कि ये गाड़ी है द ताऊजी ऑफ एसयूवीज जो। और अब इसके जो टीजर वीडियो है वो पूरी देखते हैं। महिंद्रा रिसर्च वैली द डार्क नाइट विद अ ब्राइट आइडिया। भाई समथिंग बिग, बड़ा, लेट्स डू व्हाट वी ऑलवेज डू। अरे भाई एक्साइटमेंट कुछ ज्यादा ही हो रही है भाई मुझे, रुक जा एक सेकंड। वी ऑलवेज डू समथिंग रियली बोल्ड, रियली बोल्ड। लेट्स टेक ऑन द डी सेगमेंट। डी सेगमेंट अगर आपको नहीं पता तो उसका मतलब होता है जो सारी 20 से लेके 30 लाख वाली एसयूवीज है, फॉर एग्जांपल सफारी या फिर हेक्टर या फिर XUV700, ये सारी गाड़ियां। Let's create the big daddy of all SUVs. Daddy of all SUVs, बड़े पापा, all of भाई excitement के बारे में बोल नहीं पा रहा। The big daddy of all SUVs, बड़े पापा of all SUVs, मतलब ताऊ जी of all SUVs. Was nothing else will do. भाई सही बात है, nothing else will do. Scorpio has its separate fan base. और मेरी English देख रहे हो कितनी ज़्यादा मस्त है। The big daddy of SUV. भाई आवाज बढ़िया थी जिस बंदे की है, ऐसे कितनी भारी आवाज में बोला ना, मैं बोल के दिखाता हूँ। द बिग डैडी ऑफ एसयूवीज, द बिग डैडी ऑफ एसयूवीज। महिंद्रा इफ यू वांट माय वॉइस यू कैन कॉन्टैक्ट मी 69420 69420। सिर्फ 69,420 रुपीज लूंगा आवाज देने के लिए। कमिंग सून दोस्तों, अब हमें ऑफिशियली कंफर्म हो गया है कि इस गाड़ी का जो लॉन्च है होने वाला है। और आपको एक और चीज दिखाता हूँ कि अगर आप महिंद्रा की वेबसाइट पे जाओ, महिंद्रा इंडिया, अगर आप महिंद्रा इंडिया सर्च करो
तो दोस्तों मुझे आपको ये वाला पेज दिखाना था जिसमें आपको ये दिख रहा होगा द बिग डैडी ऑफ एसयूवीज आपको दिख रहा है और इसके बाद देखो एसयूवी 700 भाई स्कॉर्पियो नई वाली इसके सामने वाली जो लुक है वो आ रही है जिसमें आप देखो भाई कितनी सही लग रही है सामने आपको डीआरएल वगैरह सब मिलते हैं और आपको भाई क्या एलईडी वेलईडी मिलती है क्या बढ़िया गाड़ी है। और अब आपको इस गाड़ी की जो लॉन्च डेट है या फिर इसकी जो अनवील डेट है वो बताता हूं। तो अगर आपको नहीं पता या फिर आपको पता होगा कि मैंने काफी सारी वीडियोस में आपको बताया कि जो स्कॉर्पियो की पहली जनरेशन है उसका इंडिया में अनवील हुआ था 20 जून 2002 को आज से ऑलमोस्ट 20 साल पहले 20 जून 2002 को जब इस गाड़ी का अनवील हुआ था और इस गाड़ी ने जो सफारी है उसको एकदम टेक ओवर कर लिया था और इंडिया की बेस्ट सेलिंग एसयूवी बन गई थी अपने सेगमेंट की। और अगर आप देखें सारी जो क्रोनोलॉजी है उसे अगर आप मैच करें तो जो नई वाली स्कॉर्पियो है उसके ऑलमोस्ट 100% चांस है कि जो नई वाली स्कॉर्पियो है उसका लॉन्च 20 जून 2022 में होने वाला है जो पहली वाली जनरेशन है उसके एग्जैक्टली 20 साल बाद। और जो डेट है वो भी अगर आप देखो कितनी ज्यादा सही है 20 जून 2022 एग्जैक्टली 20 साल बाद 20 22 कितना सौर हो रहा है भाई। इस गाड़ी का लॉन्च काफी मजेदार होने वाला है। तो भाई 20 साल लग गए महिंद्रा को इस गाड़ी की नई जनरेशन को लॉन्च करने में और जो इंतजार है मेरे ख्याल से सफल होगा भाई क्योंकि इस गाड़ी से काफी ज्यादा एक्सपेक्टेशन है एटलीस्ट मेरी तो और बाकी सारे कंज्यूमर्स की भी। और जो एक्सयूवी 700 का रिकॉर्ड था जिसमें उस गाड़ी की 57 मिनट्स में ऑलमोस्ट 25,000 बुकिंग हो गई थी तो इस गाड़ी का मेरे ख्याल से जो रिकॉर्ड है उससे भी ज्यादा आगे वाला होने वाला है। और भाई कितनी ज्यादा एक्सपेक्टेशन है भाई मैं एक्साइटमेंट के बारे भाई रुक नहीं पा रहा। और अब दोस्तों मैंने पता क्या करा है कि इनकी जो ये वाली सेक्शन है ना जिसमें अगर आपको गेट एक्वेंटेड विद द बिग डैडी बड़े पापा या फिर ताऊजी से अगर आपको एक्वेंटेड रहना है तो आप अपनी जो सारी डिटेल्स है वो डाल के अरे भाई छुपा दूंगा मैं वो सारी आप डिटेल्स डाल के आप सबमिट पे क्लिक कर दो। और इसमें दो सेक्शन आ रहे हैं आई वुड लाइक टू बाय दिस व्हीकल और स्टे अपडेटेड और मैं जा रहा हूँ बाय दिस व्हीकल में। और इसका मतलब शायद ये नहीं है कि मैं खरीद लूं इस वाली गाड़ी को या फिर इसे समझ रहे हो ना मतलब खरीदने का शायद ना हो या फिर हो भी जाए पर एक चीज मैं आपको कंफर्म कर रहा हूँ कि इस गाड़ी की बुकिंग मैं कंफर्म कराऊंगा पक्का जिसमें इस गाड़ी का जो फोर व्हील ड्राइव वाला वर्जन है एकदम टॉप एंड स्पेक जो इसका होगा उसकी बुकिंग कराएंगे और देखते हैं फिर जो प्रोसीजर है कैसा रहने वाला है। और बाकी इस गाड़ी के बारे में काफी और इन्फॉर्मेशन भी है जो कि स्पाई शॉट वगैरह से आ रही है जिसमें इस गाड़ी में आपको जो सेकंड रो सीट है वो आपको कैप्टन सीट वाले ऑप्शन में मिलने वाली है जिसमें आपको दो सेपरेट सीट्स मिलती है। जो इसका डैशबोर्ड है उसमें आपको 8 इंच के आसपास की स्क्रीन मिलने वाली है। इसमें आपको फ्रंट पार्किंग सेंसर मिलने वाले है जैसे नई वाली फॉर्च्यूनर में आते हैं। और साथ ही में इस गाड़ी में आपको जो थर्ड रो सीट है आपको फ्रंट वर्ड फेसिंग मिलने वाली है। जो इस गाड़ी की डिक्की है आपको दरवाजे वाली मिलती है जो कि ऐसे खुलती है जो कि बहुत ही आइकॉनिक लगती है और इस गाड़ी का यूएसपी है। और साथ ही में इस गाड़ी में एक कमी मुझे लग रही है कि जो इस गाड़ी की पीछे की सीट है अगर आप उसे अनफोल्ड कर देते हैं तो इस गाड़ी में आपको इतनी बेकार बूट स्पेस मिलती है कि उसमें आप भाई पानी भी नहीं रख सकते इतनी बेकार है। इस गाड़ी में अगर आप सोचो आपको 185 हॉर्स पर वाला जो इंजन है डीजल वाला वो आपको मिले साथ ही में आपको फोर व्हील ड्राइव सिस्टम मिले आपको मोटे मोटे टायर मिले इस गाड़ी में आपको डिफरेंशियल लॉक मिले मैकेनिकल चाहे ना मिले लेकिन आपको थोड़े टाइप की ऑफ रोडिंग मिले क्या बढ़िया मजे आएंगे इस गाड़ी के साथ। यही था आज की वीडियो में और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और प्लीज सब्सक्राइब करना अगर आपको ऐसी और वीडियोस देखनी है। और थैंक यू भाइयों यहाँ तक साथ देने के लिए कि जहाँ इस गाड़ी के पहले हम रेंडर वगैरह दिखाया करते थे और इस पे व्यूज छापते थे अब इस गाड़ी का लॉन्च भी होने वाला है और अभी भी हम रेलेवेंट है तो वो काफी सही चीज है। थैंक यू भाइयों।